हेलो फ्रेंड्स, आज हम खस्ता मटर कचौड़ी और पचफोरन वाली आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे और ये दोनों चीजें हम सिर्फ आधे घंटे के अंदर बना लेंगे। पहले हम फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हम मटर, अदरक और हरी मिर्च को एक या दो चम्मच पानी के साथ पीस लेंगे। ये जो पेस्ट होगा ये थोड़ा दरदरा होगा। अब हम इसको पेस्ट को पका लेंगे। इसके लिए हम पैन में तेल डाल लेंगे। इसमें जीरा, अजवाइन, कलौंजी और सौंफ डाल लेंगे। इसमें हींग डाल लेंगे। अब 2 चम्मच बेसन डाल के धीमे आंच पे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें नमक और लाल मिर्च डाल लेंगे और आंच को धीमे रख के ही भूनना है। अब जो वो मटर का पेस्ट हमने बनाया था उसको डाल के धीरे धीरे भून लेंगे। इसको हमें कंटिन्यूअसली धीमे आंच पे चलाना है, नहीं तो ये तले पे चिपक जाएगा। 4 से 5 मिनट के बाद आप इसका जो कच्चापन है ये कम हो जाएगा और इस तरह से ये सॉलिडिफाई करने लगेगा। तो अब ये हमारा तैयार हो गया। अब हम आटा गूंद लेंगे। 1 कप मैदा, 1 कप आटा लेके इसमें हम नमक और तेल मिला लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डाल के हमें गूंदना है। जो आटा हम गूंदेंगे ये थोड़ा कड़ा रहना चाहिए। अब हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। इतने में हम आलू टमाटर की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। ये सब्जी हम पचफोरन से बनाएंगे। पचफोरन में हम 5 तरीके के तड़के का इस्तेमाल करते हैं, जीरा, अजवाइन, कलौंजी, सरसों, सौंफ और मेथी। और मेथी का प्रोपोर्शन बाकी सारी चीजों से सबसे कम होता है। अब हम कुकर में तेल डाल लेंगे। इसमें हम पचफोरन डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे और इसको फिर मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सिंग बहुत जरूरी होती है, नहीं तो ये तले पे चिपकने लगता है। अब हम इसमें आलू डाल लेंगे और फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब सूखे मसाले डाल लेते हैं, जैसे नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर और मिर्च की जो प्यूरी बनी है उसको हम डाल लेंगे और थोड़ा पानी डाल करके हम कुकर को 4 से 5 सीटी होने तक पकने देंगे। जब ये पक जाए तो हम इसमें कटा हुआ प्याज का पत्ता और धनिया डाल करके इसको धीमे आंच पे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। ये इससे सारी चीजें अच्छे से आपस में ब्लेंड हो जाएंगी। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे।
इन पेड़ों को हम हाथ से फैला करके और फिर इसमें अच्छे से फिलिंग भर लेंगे और इसको अच्छे से सील करना बहुत जरूरी है, तो हम इसे अच्छे से सील कर लेंगे। अब हम तेल लगा के इसको अच्छे से बेल लेंगे। इसमें आटा या मैदा नहीं लगाना है, नहीं तो तलते वक्त तेल खराब हो जाता है। और इसको मीडियम साइज ही बेलना है, ना कि बहुत पतला ना बहुत मोटा। अब हम इसको छान लेंगे और ध्यान रहे तेल में कचौड़ी डालने से पहले तेल सफिशिएंट गर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगी तो ये कचौड़ियां अच्छी नहीं बनती हैं। दोनों साइड को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से इसको पकाना है। अब ये हमारे कचौड़ियां अच्छे से पक चुकी हैं। अब हमें इसको निकाल के और गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी खस्ता कचौड़ी बनी है और ये फिलिंग भी बिल्कुल बराबर से फैली हुई है। इसको आप गर्मा गर्म खाएं और जरूर बताएं कि आपकी ये कॉम्बिनेशन कैसी बनी थी।